नमस्कार। सरल संस्कृत व्याकरण अध्ययन में आप सबका स्वागत है। मैं अरुण पांडे आज एक सरल सूत्र लेके आया हूँ। वह प्रगृह्य संज्ञा करने वाले लगभग 9 सूत्रों में से सबसे सरल और सबसे लाघव अर्थ वाला है। सूत्र है ईदूतौ च सप्तम्य अर्थे। ईदूतौ च सप्तम्य अर्थे यह सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 19 नंबर सूत्र है। कुछ लोगों के अनुसार यह 18 नंबर सूत्र है और कुछ लोगों के अनुसार यह 19 नंबर सूत्र है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमने कल सूत्र पढ़ा था ये सूत्र एक ही है, लेकिन कुछ लोग दो मानते, ज्यादातर लोग ये सूत्र दो मानते हैं, क्योंकि महाभाष्य ने उसको दो मान लिया है। तो महाभाष्य में वो सूत्र दो मान लिया गया है, इसलिए यह सूत्र दो है ऐसा हमको मानना है। तो वो दो मानेंगे तो ये 19 नंबर पे आएगा। अगर वो दोनों सूत्र को एक ही मानेंगे तो वो 17 नंबर रहेगा, ये 18 नंबर रहेगा। अब ये सूत्र क्या करता है? यह सूत्र प्रगृह्य संज्ञा करता है। प्रगृह्य संज्ञा के बारे में मैंने सभी वीडियो में यही बताया है कि प्रगृह्य संज्ञा जिस किसी की भी होती है उसकी उस प्रगृह्य संज्ञक के स्थान पर कोई भी संधि किसी भी सूत्र से प्राप्त हो उसका प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव होकर सभी संधियों का निषेध हो जाता है। मतलब कोई भी संधि उस जगह पे नहीं होती। यहां पर इस सूत्र में ईदूतौ च सप्तम्य अर्थे एक 19 नंबर सूत्र में ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से, यहां एक और द भी है वो रह गया है, ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा? ईदूतौ च सप्तम्य अर्थे प्रगृह्यम, ये सूत्र बनेगा। अब ये चारों शब्दों का अर्थ देख लेते हैं एक एक से। ईदूतौ का अर्थ ईकारांत और उकारांत। ईकारांत और उकारांत ये जो सब शब्द हैं, वो शब्द च, च कहा है, च का अर्थ भी। ईकारांत और उकारांत शब्द भी सप्तम्य अर्थ में यानी सप्तमी के अर्थ में यदि विद्यमान हूं तो वो प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। यानी सप्तमी के अर्थ में यदि इकारांत और उकारांत शब्द हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। यह सूत्र भी वेद विषयक है। यह सूत्र वेद विषयक है, यानी इसके उदाहरण वेदों में, वेद के मंत्रों में मिलते हैं। हालांकि ये सबको पता है कि पाणिनीय व्याकरण जो है, पाणिनीय व्याकरण लौकिक वैदिक दोनों का है, इसीलिए महाभाष्य में कहा गया है केशाम शब्दानाम, ऐसा पूछते हैं किन शब्दों का आप व्याकरण करेंगे, तो कहा है लौकिकानाम वैदिकानाम च। लौकिक और वैदिक दोनों का व्याकरण यह है, इसलिए वैदिक जो उदाहरण है उन उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए यह सूत्र बनाया गया। सप्तमी के अर्थ में जो विद्यमान ईकारांत और उकारांत शब्द है उन शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है, यह अर्थ है। उदाहरण ये दोनों मैंने लिखे हैं, सोमो गौरी अधिश्रितः अध्यक्ष्याम मामकी तनु इति। यहां मामकी तनु इति जो है ना, यहां तनु इति, अब ये गौरी और तनु ये जो दो हैं, ये ईकारांत है और ये उकारांत है। ईकारांत और उकारांत शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है कब? जब वो सप्तमी अर्थ में विद्यमान हो। तो अब ये सप्तमी अर्थ में विद्यमान है, ये भी सप्तमी अर्थ में विद्यमान है, ऐसा क्यों पता चला? तो इसका अर्थ आप देख लेते हैं, हम सब देख लेते हैं इन सब, इस जो वाक्य है, दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है। सोमो गौरी अधिश्रितः का अर्थ है सोमो गौर्याम अधिश्रितः, और अध्यक्ष्याम मामकी तनु इसका अर्थ है मामक्याम तन्वाम अध्यक्ष्याम। तो आप देखेंगे गौरी जो है वो मूल शब्द है उसका सप्तमी गौर्याम होता है, तनु का सप्तमी तन्वाम होता है, ठीक है। तो ये जो गौरी और तनु, ये जो ईकारांत उकारांत है, इनका अर्थ आप देखेंगे तो सप्तमी अर्थ आ रहा है, और सप्तमी अर्थ में ये ईकारांत और उकारांत हैं भी, तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। लेकिन अभी भी ये सप्तमी के अर्थ में है ऐसा बात पच नहीं रही है, तो उसके लिए मैं और बता देता हूं। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जालह, ये जो सूत्र है इस सूत्र से वेद के विषय में सप्तमी विभक्ति का जो नी प्रत्यय है उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो आप सोचिए गौरी शब्द से, मैंने यह भी बताया है कि किसी भी शब्द के जो रूप बनते हैं
किसी भी शब्द के, जैसे राम शब्द के ही रूप हैं रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान, गौरी शब्द के हैं गौरी गौर्यौ गौर्यः। ये जो सब शब्द बनते हैं ना, ये सभी के सभी शब्द 21 प्रत्यय लग के बनते हैं। वो 21 प्रत्यय सु औजस अम औट सस इत्यादि। तो किसी भी शब्द का यदि सप्तमी विभक्ति में एक वचन का रूप बनाना है तो उस पे ङी प्रत्यय लगाना पड़ेगा। ङी ओस सुप ये सप्तमी का प्रत्यय है, तो सप्तमी में ङी एक वचन में, ओस द्विवचन में, और बहुवचन में सुप। तो एक वचन में यदि बनाना है तो ङी प्रत्यय लगा है। वो जो ये ङी प्रत्यय दिख रहा है, उस ङी प्रत्यय का वेद के विषय में सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण आत छे या डाड्या या जाला, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा ङी का लुक हो जाएगा। तो गौरी प्लस ङी जो हुआ था गौर्याम बनाने के लिए, उस ङी का लुक हो गया है, लेकिन जो लुक होता है उसका अर्थ तो रहता है। यह शिष्यते सह लुप्यमान अर्थाभिधायी, ऐसा नियम जो जो बचता है वह लुप्त हुए के भी अर्थों को कहता है। तो भले ही यहाँ ङी का लुप्त हो गया है, लेकिन लुप्त हो गया है, फिर भी इस ङी लुप्त ङी जो है वह अपने उसका अर्थ ये गौरी जो शेष बचा है वो बताएगा। इसी तरह तन्वाम में भी वही हुआ है, तनु के बाद जो ऊ है उसके बाद सप्तमी एक वचन का जो ङी प्रत्यय था, उस ङी प्रत्यय का सुपाम सुलुप्त पूर्व सवर्णात छे या डाड्या या जालहा सूत्र से लुप हो गया है। तो यहाँ भी तन्वाम का जो तनु बचा है वो तनु सप्तमी अर्थ में ही है। तो ये दोनों मैंने बता दिया कि गौरी और ये तनु, ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द सप्तमी के अर्थ में विद्यमान है, यानी सप्तमी अर्थ में भी है, और उसकी सप्तमी जो थी उस सप्तमी का वेद विषय में लोप हो गया है, मतलब वो वेद के विषय में उसका लुप हो गया, वो गायब हो गया है, सप्तमी विभक्ति दिख नहीं रही। तो ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का लुप हो जाने के कारण सप्तमी का, तो सप्तमी अर्थ में तो है ही, इन दोनों शब्दों के सप्तमी के अर्थ में रहते हुए, और सप्तमी के अर्थ में है उसके साथ साथ उकारांत और ईकारांत भी है। ई रू तो सप्तम अर्थ सूत्र पूरी तरह से यहाँ लग जाएगा, तो ये गौरी और तनु इन दोनों की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है उसके बारे में मैंने बताया कि वहां पर कोई भी संधि नहीं होती, प्लत प्रगृह्याचि नित्यम सूत्र से उसके जगह पे प्रकृति भाव हो जाता है। तो गौरी ने जो ई है उसकी जगह पे, यहाँ देखेंगे यहाँ पीछे स्वर है इसलिए इको यणचि सूत्र से ई के जगह पे यह होने वाला था, लेकिन प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाने के कारण प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम जो सूत्र बोल रहा हूँ वह सूत्र यहाँ पर संधि का निषेध कर देगा, वैसे क्या वैसा ही रूप रह जाएगा गौरी अधिश्रद्धा। प्रगृह्य संज्ञा करने का यही फल है कि संधि नहीं होती। इसी तरह तनु इति में भी ऊ के जगह पे वह होने वाला था इको यणचि सूत्र से, लेकिन वह इको यणचि सूत्र से ऊ के जगह पे जो वह हो रहा था तन्विति ऐसा बन जाता, वह नहीं होगा क्योंकि इस तनु की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, और जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां पर कोई संधि नहीं होती, तो तनु इति ऐसा ही रह जाएगा। अब ये इतना सारा अर्थ मैंने बता दिया है कि सोमो गौरियम ये सब इसका अर्थ है, और इस सूत्र से सुपाम सुलुप पूर्व सवर्ण छे या डाड्या या जालह सूत्र से ङी प्रत्यय का लुक हो जाता है वेद विषय में। इसके बारे में प्रथमा वृत्ति में ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो ये सब प्रथमा द्विवचन है, च मतलब अव्यय है, और सप्तम अर्थ सप्तम एक वचन है। ईत च ऊत च इति ईदूत, ईत और ऊत ये दोनों मिला के ईदूत कहा जाता है, यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इतर इतर योग द्वंद्व समास है इसमें, और सप्तमी का अर्थ जो है उसको सप्तम्य अर्थ कहा जाता है, सप्तमी के अर्थ को सप्तम्य अर्थ कहा जाता है, और उस सप्तमी के अर्थ में तस्मिन सप्तम्य अर्थे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ पर अनुवृत्ति आप देखेंगे तो ईरुदे द्व्यचन प्रगृह्यम सूत्र से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है। इसका अर्थ अगर देखना चाहेंगे तो अर्थ क्या होता है, सप्तमी के अर्थ में जो वर्तमान ईकारांत या उकारांत शब्द है वो सभी शब्द प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। अब उदाहरण यहाँ सोमो गौरी अधिश्रता जो मैंने बता दिया है, अध्यस्याम मामकी तनु, तनु के बाद भी इति लगा देते हैं, मामकी के बाद भी इति लगा देते हैं, ये इन्होंने एक और उदाहरण बना दिया है मामकी इति तनु इति। लेकिन देखिए मामकी इति भी यही कारांत है और सप्तमी के अर्थ में विद्यमान है, इसलिए इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, संधि नहीं होगी।
तन्वीति का मैं बता दिया हूँ, गौरी अधिष्ठिता का भी बता चुका हूँ, और अर्थ इतना ही। सप्तमी के अर्थ में जो वर्तमान इकारांत या उकारांत शब्द है उन सभी शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है वेद में, क्योंकि सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत शब्द मिलेगा ही नहीं। कब मिलेगा? जब सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जालह सूत्र से उस सप्तमी विभक्ति का लुक हो जाता है, तभी सप्तमी विभक्ति के अर्थ में विद्यमान इकारांत और उकारांत शब्द प्राप्त होता है। तो इस सूत्र का इतना ही अर्थ है कि इकारांत और उकारांत शब्द यदि सप्तमी के अर्थ में हो तो उनकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है, और प्रगृह संज्ञा जिसकी भी होती है वहां पर कोई संधि नहीं होती है। इसके ये उदाहरण है सोमो गौरी अधिसर्गः अध्यास्याम की तनु इति। तो अस्तु, आज के सूत्र में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके परामर्श और कुछ सुझाव हो तो उसका स्वागत है।